आपकी इमेज खा गई है मार या पब्लिक करती है आप पे आलोचना का वार, तो आइए हमारे पास, हम बड़े प्यार से करेंगे आपका पीआर। कैसे लगी हमारी कंपनी की टैगलाइन? बॉस हिल गया है सारा संसार, हिल गया। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, लिखो ना। आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग लिखना है? अच्छा ठीक। अरे वो टैगलाइन लिखना है जो मैंने अभी बताई। सॉरी बॉस, वो आप एक बार रिपीट करेंगे? मैंने ठीक से लिखी नहीं। आपकी इमेज खा गई है मार, अच्छे जी, या पब्लिक करती है आपकी आलोचना पर वार। अरे मैं पागल हूँ जो तुम्हें ये लिखवा रही हूँ? बॉस वो ये टैगलाइन तो राइम ही नहीं हो रही एक दूसरे के साथ, तो कंपनी की टैगलाइन कैसे बनेगी? इसलिए कंपनी की ये हालत हुई है। तुम सो क्यों रही हो, घर पे सोती नहीं क्या? क्या बताऊँ बॉस, दो दिन से मैं ठीक तरह सो नहीं पाई है। हाँ ये तो सही है, ऑफिस से जल्दी घर जाओ और रात पर पार्टी मनाओ। आउटस्टैंडिंग। नहीं नहीं मैं पार्टी नहीं मना रही थी बॉस, जब से मेरी शादी हुई है मैं तो कुछ मनाने लायक रह ही नहीं गई। तू रात पर पहरा देती हो क्या जो ऑफिस में आके सोती हो? बॉस मैं अपने पति के कारण नहीं सो पाई है। ओह पति के साथ। चांदनी आप एक जिम्मेदार औरत हो और घर में सास और बच्चे भी है, थोड़ा तो ख्याल रखे। बॉस वो बात नहीं है, मैं एक्चुअली अपने पति के खराटों की वजह से सो नहीं पाई है। हाँ मेरा पति बहुत टैलेंटेड है, 7 अलग अलग आवाजों में खराटे निकाल सकते हैं, वो भी वैरायटी के साथ। चांदनी चांदनी। हाँ जी बॉस जी। अरे करो वरना अपने पति की खराटों की वजह से अगर ऑफिस का कोई नुकसान हुआ ना तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। बॉस सुनिए बॉस, अब दूसरा पति कहाँ से लाऊं? भैरव जी मेरे पति के खराटों का कुछ कीजिए प्लीज। खामोशिया बेचैनिया नादानिया। चंदू ये सोफा क्यों सूंघ रही हो? तुम्हारे कारण हुआ है नंदू। अरे यार ये मेरे कारण नहीं हुआ, ये ना पप्पू के कारण हुआ, उसने कल चाय गिरा दी थी सोफे पर, बस उसी की बदबू आ रही है। यार मैं अपनी बात कर रही हूँ यार नंदू। क्या उसने तुम पर भी चाय गिराई? मैं पप्पू को छोड़ूंगा नहीं। ओहो नंदू यार मैं तुम्हारी वजह से सो नहीं पाती हूँ यार। ओ समझ में आया चंदू, आज भी तुम्हें कॉलेज के जमाने की तरह मेरे प्यार में नींद नहीं आती है ना? लेकिन अब तो तुमने मुझे पा लिया है तो अब तो तुम चैन की नींद सो सकती हो। नंदू तुम्हारे खराटों की वजह से मुझे नींद नहीं आती यार। क्या? चंदू तुम ना मुझ पर झूठ मूठ इल्जाम मत लगाओ। अच्छा अगर तुम्हारे खराटे रिकॉर्ड करके तुम्हें सुनाए ना तुम 2-4 साल तक नहीं सो पाओगे। हाँ अच्छा सुनो, वैसे मुझे तुम्हारी आदत अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे तो चंदू तुम्हारी भी बहुत सारी आदत है जिससे मैं इरिटेट होता हूँ। अच्छा मेरी कौन सी आदत है जिसे तुम इरिटेट होते, बताना जरा। क्यों? जब मैं चैन से लेटा हुआ होता हूँ तब तुम मुझे कोई ना कोई सामान लाने के लिए बाहर नहीं भेज देती हो? तो तुम भी गोरिल्ला की तरह जब खाते हो और उसके बाद कितने गंदे गंदे डकार लेते हो उससे कितनी इरिटेशन होती है तुम्हें क्या पता? हाँ तो ठीक है मैंने लिए डकार, लेकिन तुम भी तो दबी आवाज में मेरा इंसल्ट करती हो, उसका क्या? और तुम जो सड़ी हुई शायरियां लिखते हो उसका क्या? गौर फरमाइएगा, जो हम कश्मीर की ठंड में होते, जो हम कश्मीर की ठंड में होते तो ना हम धोते ना तुम धोते। हाय बस! यार तुम ये सारी बातें क्यों उठा रही हो यार? क्योंकि तुम भयानक खराटे लेते हो, ये बात मान लो वरना मेरे पास और भी एग्जांपल्स है, सुनाओ मैं। अच्छा मैं नहीं मानता, जाओ। तो ठीक है
मैं बेडरूम में सोऊंगी नहीं तो डिस्टर्ब भी नहीं होंगी। वादा करती हो चंदू? अरे वाह, इसका मतलब पूरा बेड मेरा। पहल के सोऊंगा। थैंक यू भगवान, थैंक यू। आखिर मुझे पता था कि एक दिन आप मेरी जरूर सुनोगे। तुम्हें चौक करना कर लो। मैं हॉल में सोऊंगी, यहीं सोफे पे सोऊंगी। नींद उड़ा दी मेरी। यहाँ सोना तो बहुत खतरनाक है। अंदर अपने कमरे में जाके सो जाती हूँ। नहीं नहीं, अंदर जाके सोऊंगी तो नंदू अपनी हार नहीं मानेगा, फिर वो मुझसे जीत जाएगा और मेरी रातों के साथ साथ मेरा दिन भी खराब कर देगा। हाय रब जी, मैं क्या करूँ? क्या करूं? हाँ, मम्मी जी के कमरे में जाके सो जाती हूँ। वैसे तो उनकी शक्ल देखे मुझे डर लगेगा, लेकिन मैनेज कर लूंगी। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपिल सती लोक उजागर। ओहो मम्मी जी, आप फिर से मुझे देख के डर गई। मैं तो तुझे दिन में देखकर डर जाती हूँ, ये तो फिर भी रात है। ओ मम्मी जी प्लीज, मजाक मत कीजिए आप। बहू, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मम्मी जी, आज मैं यही सोऊंगी। मैंने क्या गलती की है? गलती आपने नहीं, आपके बेटे ने की है मम्मी जी। पता है, उस नलायक ने तुझसे शादी करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मम्मी जी, वो वाली गलती नहीं, दूसरी गलती की है उसने। ए बहू, उसकी कोई भी दूसरी गलती पहली गलती से बड़ी नहीं हो सकती। ओह मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी नंदू बहुत जोर जोर से खराटे ले रहा, मैं सो नहीं पा रही हूँ। है तो क्या हो गया? मेरा लाडला तो बहुत ही सुरीली आवाज में खराटे लेता है। हाँ जी मम्मी जी, रात भर ऑर्केस्ट्रा चलता है मेरे कानों में। मम्मी जी प्लीज, मैं उसके कारण नहीं सो पाती, और बाहर ना बहुत डर लग रहा है, यही सो जाऊं प्लीज। बहू, जो मुझे तुझे देखकर डर लगेगा उसका क्या? मम्मी जी प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है, तू ना उधर को मुंह करके सो जा, मैं इधर को मुंह कर लेती हूँ। नहीं, उससे बात नहीं बनेगी। बहू जा, काली पट्टी से ना मेरी आंखें बांध दे। जाने मन, लगता है सब सो गए। तुम आज रात यही रुक जाओ, सुबह मैं तुम्हें बाहर स्मगल कर दूंगा। मैं कोई सोना हूँ जो तुम मुझे बाहर स्मगल कर दोगे? अरे देश के बाहर नहीं, घर के बाहर। ओके, पर मैं तुम्हारे कमरे में नहीं, गेस्ट रूम में सोऊंगी। मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं। चंदू, अच्छा है मम्मी जी के साथ ही सो गई। पप्पू, पप्पू तू यहाँ पर, और वो भी जीन्स और टी शर्ट में, कहाँ से आ रहा है बे? भाई आजकल मैं जीन्स और टी शर्ट में ही सोता हूँ, वो पता नहीं ना सपने में कब डेट पे जाना पड़ जाए। पप्पू तू ना सपने में ही डेट पर जा, लूजर। वैसे भाई तुम इतनी रात को क्या गुल खिलाने आए हो यहाँ पे? अबे मैं पानी पीने आया हूँ। बड़ा है। मन तो करता है बोतल तुम्हारे सर पे फोड़ दूँ। पप्पू तू कुछ बोला क्या? अरे भाई मैं कहा, मैं तो पिछले दो घंटे से कुछ नहीं बोला भाई। हाँ भाई, मैं ये कह रहा था कि ये जो बॉटल तुम खोल रहे हो ना, ये ऐसे करके खोलने का, इसमें से ऐसे पानी निकालने का, ग्लास में और पी लेने का। अच्छा हाँ भाई। और भाई जिंदगी कैसी चल रही है भाई? क्या बात है पप्पू, आज तुझे अपने बड़े भाई की चिंता कैसे हो गई? हाँ क्या बात कर रहे हो भाई, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होगी। देख रहा हूँ बाबूजी अपने बड़े लौंडे को, इसको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, मेरे प्यार पे विश्वास नहीं है। नहीं नहीं पप्पू, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे भाई तू जब भी मेरे बारे में सोचेगा ना, बुरा ही सोचेगा। हाँ वो तो है। हाँ। भाई बाबूजी देख रहे हो, इसे मेरे प्यार पे अभी भी विश्वास नहीं है। भाई
आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अबे तू मेरी गर्दन तोड़ देगा बे। पप्पू मैंने किसी लड़की को जाते हुए देखा यार। अरे नहीं भाई, मैंने तो किसी भी लड़की को जाते हुए नहीं देखा भाई। सच सच बता, तू किसी को लेकर आया था? भाई मैं किसी को लेकर नहीं आया, ये तुम्हारा वहम है। अबे ये वहम नहीं, मेरी बॉटल है बे। भाई भाभी कहाँ है? भाभी भाभी यार मम्मी जी के रूम में सोई हुई है। क्या निर्दयी निर्लज्ज, तुमने मेरी माँ समान भाभी को रूम से बाहर निकाल दिया। भाई तुम्हें तो नर्क में आग में जलाएंगे, आग में। अबे मैंने नहीं निकाला यार, वो खुद गई है। वो कहती है कि मैं खर्राटे लेता हूँ। यार तू बता मैं खर्राटे लेता हूँ? भाई तुम्हें पता हमारे मोहल्ले में कोई कुत्ता क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि भाई सारे कुत्ते ना तुम्हारे खर्राटे सुन के ना पहले ही मोहल्ला छोड़ के भाग चुके हैं। क्या? हाँ मम्मी जी तो नंदू से भी ज्यादा भयानक खराटे ले रहे हैं। अरे जी अब मैं क्या करूं? चंदू और मजा आया मम्मी जी के साथ सोने में? चुप करो नंदू, मजाक मत करो। पूरी रात में सोई रही हूँ, दिमाग खराब है मेरा। किसने बोला था कमरा छोड़कर जाने के लिए? हाँ वैसे हुआ क्या चंदू? यार नंदू मम्मी जी तो तुमसे भी भयानक खराटे लेती हैं। ऐसा लगता है पाकिस्तान ने हमला कर दिया हो। बम बारूद टैंक सब एक साथ चल रहे हैं। ए बहू क्या बोली तू? चंदू तुमने मम्मी जी के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया? नंदू ए बहू तुझे शर्म नहीं आती किसी पे गलत इल्जाम लगाते हुए? पहले तूने मेरे भोलू पुत्र पर इल्जाम लगाया और अब मुझ पे लगा रही है ब्लैक कहीं की? हाँ मम्मी जी छोड़िए इसे, आप पराठे बनाइए मैं खाऊंगा। ठीक है पुत्र, कल हम दोनों खाएंगे। मम्मी जी नंदू कोई बात नहीं मम्मी जी, अब तो मैं प्रूव करके रहूंगी कि आप बहुत अजीब गरीब तरह के खराटे लेती हैं। खामोशियां बेचैनियां नादानियां, अब तो मैं पता लगा के रहूंगी। लगता है भाभी को कल रात वाली लड़की की बात पता चल गई है। भाभी आपको पता चल गया क्या? हाँ हाँ पप्पू मुझे तो पहले से पता था, अब ये सच्चाई मैं सबके सामने लेकर आऊंगी। नहीं नहीं भाभी ऐसा मत करना, वरना मम्मी जी मिर्च मसाला डाल के मेरा भरता बना देंगी। मम्मी जी खराटे लेते हैं ये बात सबके सामने आने से वो तुम्हारा भरता क्यों बनाएंगी? ओह आप मम्मी जी के खराटे की बात कर रही हैं, वो सबके सामने लाने की बात कर रही हैं आप? अच्छा हाँ पप्पू अब ये सच्चाई मैं सबके सामने लाके रहूंगी। पर पप्पू तू क्यों डर रहा है? हाँ अरे भाभी मम्मी जी के खराटों से तो पूरा पटियाला डरता है, फिर मैं किस खेत की लौकी हूँ? देख पप्पू मुझे एक लौकी चाहिए, मेरा मतलब है मुझे तेरी मदद चाहिए ये प्रूव करने के लिए। क्या बात कर रही हो भाभी, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और सावन से पहले नहीं मरना चाहता मैं। नीली प्याले देवल, अगर तूने मेरा ये काम नहीं किया ना तो सारी जिंदगी तो कुंवारा ही रहेगा, समझा? क्या करना है भाभी बताइए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात मेरे प्यारे देवल, देख तेरी शक्ल पहली चोरों जैसी है। ये आज रात इसे ढक कर मम्मी जी के कमरे में चोरों की तरह जाना है और उनके खराटे रिकॉर्ड करने हैं। ओके भाभी। बस मम्मी जी अब ये सच्चाई मैं पूरी दुनिया के सामने साबित कर दूंगी कि आप बहुत भयानक भयानक आवाजें निकालती हैं। अच्छा अच्छा मुझे सब पता है पर मुझे कुछ नहीं पता। अरे मैं हूं ना। अच्छा सुन क्लोरोफॉर्म रख लिया है ना? ये क्या होता है? मुझे कुछ नहीं पता। मेरे मामा के तर होता है, पता नहीं किसको रख लिया गैंग में, लेकिन मुझे सब पता है। तुम मेरा नाम भूल गए? मेरा नाम फंटी है। मुझे कुछ नहीं पता। काश मैं तुझे भूल जाता, लेकिन मुझे सब पता है। अच्छा सुन चल चोरी करते हैं। मुझे सब पता है।
चलो अच्छा है, आज नंदू ऑफिस से देर से आएगा। और ये पप्पू कहाँ रह गया, अभी तक मास्क पहन कर नहीं आया। मम्मी जी के खराटे रिकॉर्ड करने का अच्छा मौका है। लो, मम्मी जी गहरी नींद में चले गए और खतरनाक खराटे लेने भी शुरू कर दिए। बस पप्पू जल्दी आ जाए। चल अब दरवाजा खोलते हैं। लगा। आया क्यों नहीं? अबे कोई आ रहा, चल भाग 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 भाग। इधर, अब आया, इधर, इधर आ, इधर, इधर। एक मास्क जुगाड़ नहीं कर सकता टाइम पे, इतना टाइम लगा दिया, अब यहीं खड़ा रहे, हिलना नहीं। अरे यार, किसको पार्टनर बना लिया? अब ये पकड़ा जाएगा और मेरा भी सारा राज खुल जाएगा। मुझे सब पता है, कुछ तो करना होगा। ये ले हैंडीकैप। अब मम्मी जी के खराटे अच्छी तरह रिकॉर्ड करना, समझे? कुछ खराब हुआ ना तो फिर देखना। भाभी, मैं आ गया। पप्पू, तू तो अभी अंदर था, बाहर से कैसे आ गया? हैं? चल के आया भाभी। देख पप्पू, अगर तूने मम्मी जी की खराटों की रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं की ना, मैं तुझे चलने लायक नहीं छोड़ूंगी। चल अभी रिकॉर्डिंग कर, जल्दी कर। पर मैंने क्या किया? अच्छा जाता हूँ। हाँ ठीक है। देख पप्पू, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, पर तू रिकॉर्डिंग अच्छे से करना, ठीक है? नहीं नहीं भाभी, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अगर मम्मी जी ने मुझे अकेले पकड़ लिया ना तो मेरी चटनी बना देंगी। आप भी चलो मेरे साथ। चल। भाई, वो क्या पागल औरत थी? पता नहीं किसके खराटे रिकॉर्ड करने के लिए बोल रही थी। मुझे ना यहाँ पे सबके सब पागल लगते हैं। भाई चलो भाग चलते। मुझे कुछ पता नहीं। अबे चुप कर, आए हैं तो लेकर जाएंगे। तब तक मैं यहाँ का सारा सामान समेट लेता हूँ और तू गेट पर खड़ा रहना, और कोई आए तो सीटी बजा देना। ठीक है भाई। अरे वाह ज्वेलरी। जो दिया था वो कहाँ है? अरे भाभी वो तो खर्च हो गई। खर्च हो गई? चंदे जितने तो पॉकेट मनी देती हो, खर्च नहीं होगी क्या? अरे पॉकेट मनी नहीं, हैंडीकैम। हैंडीकैम दिया था ना तुझे? अरे भाभी आज तक एक पेन तो दिया नहीं, हैंडीकैम क्या दोगी? पप्पू सुधर जा। मम्मी जी के खराटे रिकॉर्ड करने के लिए मैंने तुझे हैंडीकैम दिया था, कहा है? चल लेकर। और भाभी जो दिया नहीं वो कहाँ से लाऊं? मैं डंडा लेकर आऊं, जाता है। अबे यार, ये कौन सा कैमरा है जो भाभी ने मुझे दिया था और मुझे मिल नहीं रहा है? अरे यार, ये भी कहाँ चला जाता है? ओहो, अब ये पप्पू कहाँ रह गया? कहीं मम्मी जी जाग ना जाए। क्या करूं? खुद ही जाके देखती हूँ। देख कहाँ रह गया पप्पू। ओहो, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें हैंडीकैम लाने के लिए कहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और हैंडीकैम को बैग में क्यों डाल रहे हो? इधर आओ। अरे इधर आओ तुम, इधर चलो ऊपर। तूने कपड़े कब बदले? अब चल छोड़। यार ये हैंडीकैम कहाँ मिलेगा? भाभी ने मुझे कौन सा हैंडीकैम दिया था यार? ओए हैंडीकैम मिल जा यार, कहाँ है तू? हैंडीकैम मिल गया। सारा सामान समेट लिया, अब चल। सारा माल? कौन सा माल? अरे हाँ, मुझे सब पता है, ये सब देख, मुझे सब पता है। अबे तू है कौन पे और ये सब सामान क्यों चुरा रहा है? अबे मैं बंटी हूँ, हम दोनों चोर हैं। चोर किसको पार्टनर बना लिया? चोर चोर चोर। चल आजा। रिकॉर्डिंग कर। अब मैं बताऊंगी मम्मी जी को कि वो रात को सोते वक्त कैसी भयानक भयानक आवाजें निकालती हैं। मम्मी अच्छे से रिकॉर्ड कर। मैं भी भाग जाती हूँ। चोर 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 च
पार्टनर नहीं हो सकता, मुझे सिर्फ लड़कियां पसंद है। हाँ तू फंटी नहीं है? भाई मैं आऊं चीर दूंगा। भाई इस पागल औरत ने मुझसे खर्राटे रिकॉर्ड करवाए, मुझे मजबूरी में करना पड़ा, मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पे ना सबके सब पागल नजर आते हैं। क्या मतलब तुम दोनों असली में चोर हो? भैरव जी मैंने मम्मी जी के खर्राटों की रिकॉर्डिंग असली चोर से करवा दी, पप्पू समझ के। अरे पर भाभी मैं तो हूँ ना यहाँ पप्पू। चोर 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 खसमानु खानियों मार जानियों। ओए तारा बंती वर्मा के घर में चोरी, बना दूंगी अब मैं तुम्हें अघोरी। मम्मी जी वो ये वाला अपना इसे मत मारिएगा प्लीज। इस अपने को अब बना दूंगी मैं सपना। तुम्हारी तो हंसी के पैसे। अरे भागो, ऐसे कैसे भाग जाओगे? जो जो सामान हमारे घर में चोरी किया ना वो यहाँ रख दो, तुम्हारी पॉकेट में जितनी मनी है वो भी यहाँ रख दो। पीछे मुड़ के मत देखना वरना पुलिस बाद में मारेगी। तारावंती पहले मारती है। और चोर नंबर थ्री तू क्यों नहीं भागा? तेरी भी आरती उतारती हूँ। अरे मम्मी जी, मम्मी जी, अरे मैं आपका ढोली पुत्र हूँ पप्पू। और तू अतरंगी बन के इन चोरों के साथ क्या कर रहा था? मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं नहीं ये सब देख सकती। अरे मम्मी जी अच्छा हुआ आप आ गई, आपने मेरी जान बचा ली। तू ये अतरंगी बड़ा क्यों घूम रहा है चोरों की तरह? है वो तो आपकी रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि भाभी चाहती थी कि वो ये प्रूव कर दे कि आप रात को सोते हुए राक्षसों की तरह खर्राटे लेती हैं। फटे मुंह, मैं राक्षसों की तरह खर्राटे लेती हूँ? इस बहू को मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी इतनी हिम्मत कहाँ है? ओए हाय हाय हाय, अब मैं तुझे बताऊंगी खर्राटे कौन लेता है। जा जा तू मेरा कैमरा लेकर आ, मैं रिकॉर्डिंग करूंगी। ये कैमरा कैमरा ये कहाँ है? ये रहा कैमरा। ए बहू अब मैं तुझे बताऊंगी खर्राटे कौन लेता है। सॉरी मम्मी जी। खामोशियां बेचैनियां नादानियां, खामोशियां